यहाँ पे बहुत ही प्राचीन अति प्राचीन जो हनुमान जी का मंदिर है, ये बहुत भव्य और विशाल है। आपको मैं मंदिर जो दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल गंगा जी के एकदम किनारे, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, ये मंदिर है और ये सामने हमारा घाट है। अभी हम घाट की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो जब मंदिर से हम जब चलते हैं तो आप जैसे आप सामने देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग जब बस स्टैंड से आते हैं तो बस स्टैंड से आप जब ओम पुल की तरफ आएंगे, बस स्टैंड से मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे आके, तो ये हमारा जो है, ये जो एक तुलसी चौक आता है, तुलसी चौक से आप लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके आप इस ये मंदिर में पहुँचेंगे। मंदिर से होते हैं आप जैसे आप देख सकते हैं घाट है, और मैं आपको घाट को लेकर चलता हूँ दोस्तों। इस घाट में अभी पहली बार ही आया हूँ, और जैसे कि नाम, ये जो घाट है गणेश घाट के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पर। और ये कुंभ के दौरान दोस्तों बहुत सारे नए घाट बने हैं, देखिए आप किस तरह से डालगढ़ स्नान करते हैं। तो ये गणेश घाट है दोस्तों, और बस स्टैंड से याद नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं आने में, और भीड़ भी नहीं रहती दोस्तों। यहाँ पर एकदम साफ़ सुथरा घाट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी जैसे कि गंगा जी का जल स्तर बढ़ गया है, देखिए आप सामने, तो आप आराम से स्नान कर सकते हैं। घाट आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना विस्तृत घाट है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से आपको देखिए सामने आपको ओम पुल भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया था ओम पुल। और दोस्तों ये जो पीछे आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये यहाँ का दोस्तों दीप स्तंभ है, जो कि भगीरथ दीप स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी के बगल में हमारा एक जो घाट है, मैं उसको घाट को भी पहले कई बार बता चुका हूँ, अमरापुर घाट। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य घाट है दोस्तों। तो मैं आपको और आगे ले चुका हूँ गंगा के किनारे किनारे घाट की तरफ, क्योंकि दोस्तों हर की पैड़ी और ब्रह्मकुंड में तो हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु जन है, जिनके पास बिल्कुल होटलों में रुके हैं, और ये एकदम से हर की पैड़ी से मुश्किल से आधा घंटा पहले ही ये रुक जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए आप घाट दोस्तों किस तरह से घाट बने हैं यहाँ पर, ये गणेश घाट है दोस्तों। और ये बस स्टैंड के नज़दीक है, अगर आप कभी ऐसा आपको लगे कि आप यहाँ पे मतलब आए हैं और जो अंदर नहीं जा सकते हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में, तो आप आके आराम से यहाँ स्नान कर सकते हैं। बस स्टैंड से अगर ऑटो या रिक्शा या बैटरी रिक्शा आप पकड़ेंगे तो मुश्किल से आपको आधा से पौना घंटे के अंदर स्नान करा कर वापस छोड़ देगा, तो आप उतने ही कम समय में आप यहाँ पर आकर ये पुण्य लाभ कमा सकते हैं। तो हर गंगे जय माँ गंगे।